आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के रामपुर में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, खनन माफिया बेखौफ होकर दिन रात जमीन का सीना चीर रहे हैं। रेत के काले कारोबार में दिन रात चांदी काटने वाले खनन माफिया धंधे से मुंह मोड़ने को तैयार ही नहीं है, जिसके कारण पूरे जिले में अवैध उत्खनन का काला कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते दो जिलाधिकारी और प्रशासनिक अमले के निलंबित किए जाने, अदालत, हुकूमत और इंतजामिया की सख्ती के बावजूद जिले में अवैध खनन का काला कारोबार बेरोक टोक जारी है। यहाँ तो खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि डायल हंड्रेड और पुलिस की टुकड़ी के साथ खनन रोकने गई राजस्व विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने फायरिंग शुरू कर दी। किसी प्रकार जान बचाकर भागे राजस्व विभाग की टीम ने 9 खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस भी हमेशा की तरह अब रटा रटाया जवाब दे रही है कि जल्द ही इस काले कारोबार पर अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही टीम पर फायरिंग के एक आरोपी आसिफ को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन में कुछ खनन की शिकायत मिली थी, तो उस पर कंबाइंड टीम गई थी और उसमें मुकदमा लिखा गया, उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, खनन से इस पर अंकुश लग पाएगा, जबकि खनन बड़े पैमाने पे? शासन प्रशासन दोनों सतर्क हैं तो जरूर अंकुश लगेगा।